नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मिड डे मील योजना को लेकर। बिहार में पिछले कई दिनों से प्रदेश में शिक्षकों के नियोजन की खबरें चल रही है। इन खबरों के बीच में एक नई खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश में 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,70,00,000 बच्चों के सेहत अब अक्षय पात्र रसोई की सुविधाओं के पास चली जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील में खामियों को दूर करने और शिक्षकों को इससे अलग रखने को ध्यान में रखते हुए अक्षय पात्र रसोई से बच्चों की सेहत का ख्याल रखने की तैयारी शुरू की जा रही है। इस योजना का बिहार में शुरू होने से पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले में कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी दी गई है, जिसकी सतत निगरानी भी की जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इसमें बताया जा रहा है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है उसमें मिड डे मील योजना के तहत कहा यह जाता है कि शिक्षक बच्चों को खाना खिलाने में ही व्यस्त रहते हैं। हालांकि हालात जो बताया जाता है वही नहीं है, उसके अलग भी है। खैर, अब सरकार ने मध्याह्न भोजन के संचालन में तकरीबन 3.25 लाख शिक्षकों के जुड़े रहने से पढ़ाई व्यवस्था बाधित हो रही थी। अक्षय पात्र रसोई लागू होने से मध्याह्न भोजन से जुड़े शिक्षकों को अलग किया जाएगा, ताकि उनका फोकस शिक्षण कार्य और फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित हो सके। जबकि बच्चों के लिए बेहतर भोजन और पौष्टिक नाश्ता अक्षय पात्र रसोई संभालेगी। अक्षय पात्र रसोई में 1,50,000 बच्चों का खाना तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ भोजन तैयार करने के साथ ही गर्मा गर्म खाना थाली तक पहुंचाने की भी जिम्मेवारी रसोई संचालकों की होगी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु का अक्षय पात्र फाउंडेशन आकाशीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। मानकों के परखने के बाद ही बच्चों को इसका खाना जो है वो परोसा जाता है। फाउंडेशन द्वारा देश के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु में अक्षय पात्र रसोई का संचालन किया जा रहा है। रसोई में एक्सपर्ट कुक के साथ साथ साफ सफाई, शुद्धता एवं मसाले एवं सब्जियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस योजना को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले के कुछ विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी दी गई है। यह प्रयोग सफल हुआ तो पूरे प्रदेश में अक्षय पात्र रसोई को लागू किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना में शिक्षकों के लगे होने से पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होती रही है। आपको बता दें कि ये तो शिक्षा मंत्री का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को जो है वो प्रभावित होती है पढ़ाई। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी हमें देखना होगा कि यह जो फाउंडेशन है वो बच्चों की पौष्टिकता को लेकर, उसके खाने को लेकर कितना ध्यान रखती है। सरकार को इसको लेकर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी होगी, ताकि वो बच्चों के स्वास्थ्य को खास करके ध्यान रखें। हालाँकि इस योजना को जब अक्षय पात्र योजना की तरफ दी जा रही थी, उसी समय ये बात भी कही जा रही थी कि यह योजना जो है बच्चों को खास करके और शिक्षकों को, इन दोनों को जो है, एक तो शिक्षक पढ़ाने का काम करें ना कि वो खाना खिलाने का काम करें। और ये योजना जो है जब अक्षय पात्र योजना के पास गई तो ये सबसे पहले यही बात सामने आया था कि ये जो योजना है वो बच्चों की पौष्टिकता को लेकर खास करके ध्यान दिया जाए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।